हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जोधपुर में वैकेंसीज आई है। अच्छी बात क्या है कि बीटेक और डिप्लोमा वाले भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक पोस्ट असिस्टेंट इंजीनियर का, जिसके लिए बीटेक में सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर ये अप्लाई कर सकते हैं। एक और पोस्ट है जूनियर इंजीनियर का, जिसके लिए बीटेक में सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, इसके अलावा जो डिप्लोमा अगर आपने किया है सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से, तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हो या किसी और ब्रांच के हो बीटेक के, तो भी आप एक पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट का, वहां पे अप्लाई कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम इन सारे वैकेंसीज के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस का अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में। फ्रेंड्स, ये एम्स जोधपुर का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इस ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट का लिंक और इसके साथ ही इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक दे दूंगा, तो वहां पर जाकर आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पे मैं बता दूं जो वैकेंसीज के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो हमें दो नंबर में देख रहे हो, ये है असिस्टेंट इंजीनियर एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन। इसके लिए एक अनरिजर्व सीट है और जो एज लिमिट है वो 35 साल तक है। अब इसके बारे में डिटेल में बात करें तो इसमें आपको जो पे मैट्रिक्स है वो लेवल 7 का है, यानी कि आपको 44,900 से लेकर 142,400 रुपये मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। और एसेंशियल्स की बात करें तो ये असिस्टेंट इंजीनियर की इस पोस्ट के लिए मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो कि ग्रेजुएट है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी ने 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, जो कि डिजाइन एंड इंजीनियरिंग ऑफ सिविल प्रोजेक्ट्स इसमें होना चाहिए। कंपनी अगर प्रीफर करेगी, सॉरी जो कॉलेज है वो प्रीफर करेगी, अगर आपका एक्सपीरियंस हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में हो। फ्रेंड्स, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी है असिस्टेंट इंजीनियर की, ये HVAC फील्ड रिलेटेड है, जिसमें आपको एम्स जोधपुर में जो सेंट्रलाइज्ड एसी लगा हुआ है उसका आपको मेंटेनेंस वर्क देखना है। एक्चुअली मैं अभी HPC फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो अगर इससे आपको रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। देन जो अगला वैकेंसी है वो 3 नंबर आप यहाँ पे देख रहे हो, असिस्टेंट इंजीनियर की, ये भी ये है सिविल के लिए। ओके, इसके लिए 2 अनरिजर्व सीट है और एज लिमिट सेम है। इसमें भी कंपनी ने सिविल इंजीनियर मांगा है, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और सेम फील्ड में चाहिए जैसा कि एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेशन के लिए चाहिए था। उसके बाद आप 4 नंबर से यहाँ पे देख रहे हो, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। ओके, इसके लिए 1 अनरिजर्व सीट है, एज लिमिट सेम है। इसके लिए आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए कंपनी ने 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप वैकेंसी देख रहे हो जूनियर इंजीनियर के लिए, ओके, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन के लिए। इसका जो पे स्केल है वो लेवल 6 का है। इसके लिए 4 सीट्स है, 3 अनरिजर्व है, 1 OBC के लिए। एज लिमिट जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो 30 साल का है। अब यहाँ का बता दूं कि इसके लिए आप मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी ने 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है जूनियर इंजीनियर के लिए। अगर आपने बीटेक नहीं किया, अगर डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए कंपनी ने 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ लार्ज स्केल एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आप 6 नंबर से देख रहे हो जूनियर इंजीनियर सिविल। इसके लिए भी पे स्केल लेवल 6 का है। उसके अलावा जो 30 साल का एज लिमिट है, 6 सीट्स है, 5 अनरिजर्व्ड है, 1 OBC है। और आप उसके लिए अगर आप सिविल इंजीनियरिंग आपने किया है तो इस जूनियर इंजीनियर इस सिविल वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए कंपनी ने 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अगर डिप्लोमा किया आपने सिविल के साथ तो 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, उसके बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए सारा कुछ सेम है जैसा कि मैकेनिकल और सिविल वालों के लिए था, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो नीचे मैं आपको दिखा दूँ एक बार, एक वैकेंसी यहाँ पे है ऑफिस असिस्टेंट की। इसके लिए टोटल 18 जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोस्ट है और 21 से 30 साल का एज लिमिट है इस पोस्ट के लिए। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इसका जो पे स्केल है वो लेवल 6 का है, जिसके तहत आपको 35,400 से लेकर 112,400 रुपये मिलेंगे। इसके लिए कंपनी ने डिग्री मांगा है और साथ साथ कंप्यूटर का नॉलेज मांगा है, जो कि जनरली आजकल लोगों के पास होता है कंप्यूटर का नॉलेज। तो अगर आपने डिग्री कंप्लीट किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई जरूर कर दें। फ्रेंड्स, एम्स जोधपुर का जो एडवर्टाइजमेंट है उसका मैं कुछ जनरल कंडीशंस है, बाकी सारे पॉइंट्स तो सेम है लेकिन 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 नंबर्स आप देख रहे हो कि इन वैकेंसीज का अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे लास्ट डेट दिया हुआ है सब अप्लाई करने का, 27 अप्रैल 2019 शाम के 5 बजे तक। उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर आप देख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप चाहे तो एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा। उसके अलावा एक और नीचे पॉइंट है वो ये है, 7 नंबर आप देख रहे हो एप्लीकेशन फीस, SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट्स, इनको 200 रुपये लगेगा, जो कि आपको बैंक मतलब ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन चार्जेस देने हैं। और जो जनरल OBC और EWS वाले हैं उनको 1,000 रुपये लगेगा इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए।
तो फ्रेंड्स, अगर आपका प्रोफाइल इन वैकेंसी से मिलता है या आपका एक्सपीरियंस इनसे मैच करता है तो आप जरूर इन वैकेंसी के लिए अप्लाई करें। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनको भी इन वैकेंसी के बारे में मालूम चल जाए। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के वैकेंसी के अपडेट मैं अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।